जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। भाव भूमिका बनने पर परमात्म चेतना साधक के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को शुद्धता और तेजस्वता जैसे अनेक अनुदान प्रदान करती है। आप सब युग ऋषि के तप से जागृत युग तीर्थ में बैठे हैं। भावना करें कि आपके चारों ओर तीर्थ चेतना, गुरु सत्ता और परमात्म सत्ता का प्राण भरा स्नेह लहरा रहा है। आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब उसमें डूबे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव जो कुछ निर्देश दें उसके अनुसार अपनी मनोभूमि बनाते चलें। कोई दृश्य दिखे या न दिखे, इंद्रियों को कोई अनुभूति हो या न हो, आप पूज्य गुरुदेव के निर्देशों का अनुसरण करें। सूक्ष्म चेतना पूज्य गुरुदेव के कहे अनुसार अपना कार्य कर रही है। आपके अंदर दिव्यताओं के जागरण और स्थापना का क्रम चल रहा है। पहले जब वे गायत्री मंत्र बोलें तो आप भी उनके साथ साथ मन ही मन गायत्री मंत्र दोहराते चलें। भावना करें कि उनके द्वारा भेजे गए सूक्ष्म कंपनों के साथ साथ हमारे शरीर का कण कण झंकृत हो रहा है। शरीर, मन, अंतःकरण सभी अभिमंत्रित हो रहे हैं। फिर ध्यान निर्देशों के अनुसार अपने भावों को बनाते चलें। दिव्य चेतना के प्रभाव को श्रद्धा पूर्वक अपने अंदर धारण करते रहें। अंत में पूज्यवर द्वारा की गई अष्टो महासदनों में आज प्रार्थना और ओंकार ध्वनि को भी मन ही मन दोहराएं। भावना करें कि जो शक्ति प्राप्त की है वह शरीर, मन आदि में स्थिर हो रही है। वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर तथा मृत्यु से मृत्यु की ओर ले जाएगी। ध्यान समाप्ति के बाद कुछ देर तक शांत मौन रहें तथा मानसिक जप करें। शांति से बैठे रहें जिससे ध्यान का लाभ अधिक प्राप्त होगा। अब शांत मन से श्रद्धा भरे अंतःकरण से ध्यान करें। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद,